अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा प्रीवियस लेक्चर जो था वो सेल वॉल पे मैंने दिया। सेल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया और सेल वॉल पे मैंने लेक्चर दिया। आज का मेरा लेक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे है। सेल मेम्ब्रेन के मुतलक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतलक देने जा रहा हूँ। सेल की आउटर कवरिंग के मुतलक जो है वो मेरा टॉपिक है। तो काइंडली जो दोस्त जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए, हमारा टॉपिक है जी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मतलब बताने जा रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके मतलब अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में जाएं, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसे 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतलक बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतलक बताया था। लेकिन जो इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतलक बोला था या बताया था, वो इसने ये कहा कि ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर है। हार्ड किस्म का एक स्ट्रक्चर है जो कि, अब इसने जो प्लाज्मा के मुतलक जो थियोरी दी थी, इसने कहा कि ये हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर है। और उस वक्त ये बता खुद जो है वो किसे स्टडी कर रहा था, ये प्लांट के सेल को स्टडी कर रहा था। अब जब प्लांट के सेल को स्टडी कर रहा था तो ये कहते हैं कि वो हार्ड स्ट्रक्चर है। तो इसने इस लिहाज से प्लाज्मा थ्योरी को जो है वो मिसलीड किया था। बहरहाल इसके बाद जो है वो बारी आई 1895 में अर्नेस्ट वाटन ने। अर्नेस्ट वाटन ने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड्स की बनी हुई है। 1895 में अर्नेस्ट वाटन ने कहा, इसने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो लिपिड्स की बनी हुई हैं, अर्नेस्ट वाटन ने कहा। इसके बाद 1925 में, ये पहले लिपिड्स के मतलब बता चुका है। आज भी हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। भारत इसने बोला था अर्नेस्ट वाटन ने 1895 में के सेल मेम्ब्रेन जो है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई है। उसके बाद 1925 में गॉटर्ड और ग्रैंडल ने जो है ये कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाई लेयर्स पर मुश्तमिल है। लिपिड की दो लेयर्स पर मुश्तमिल है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सामने इसने के मुतलक इन लोगों ने बोला कि दो लेयर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन अब यहां पे जब लोगों को ये बताया गया, साइंटिस्ट को ये बताया गया कि लिपिड जो है वो बाई लेयर्स पर मुश्तमिल है, तो लोगों ने इस पे मजीद रिसर्च करना शुरू कर दी। अब वो इस चक्कर में थे, वो अभी तक उन्होंने ना ही इसकी दी हुई हाइपोथेसिस को, नजरिए को एक्सेप्ट किया था, ना ही रिजेक्ट किया था। उन्होंने ना ही इसको एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया। वो जो साइंटिस्ट है उस वक्त, तो उन लोगों में एक और रिसर्च की जो है वो लहर दौड़ गई, और वो लिपिड मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इसकी थिकनेस जो है वो चेक करने चले। तो एक नई रिसर्च की लहर दौड़ी कि वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस चेक करने लगे, उस पर रिसर्च करने लगे। तो वो थिकनेस क्यों चेक कर रहे थे? क्योंकि वो जब इसने, इन लोगों ने कहा था, गॉटर ने कहा था 1925 में, गॉटर ग्रैंडल ने, इन्होंने कहा कि भाई वो लिपिड की बाई लेयर्स पर मुश्तमिल है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो किस जाने पर चले? इसकी थिकनेस चेक करने के लिए कि क्या ये जो कहा जा रहा है ये लिपिड बाई लेयर्स पर मुश्तमिल है, क्या ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मतलब कि इन लोगों के दिए हुए हाइपोथेसिस को, इनके दिए हुए नजरिए को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट में एक जो है वो रिसर्च की लहर दौड़ी। और वो क्या थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को काउंट किया जाए। जिनमें 1925 में ही फ्रैकी ने क्या किया, यीस्ट और आरबीसी, इरिथ्रोसाइट की जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है, यीस्ट और आरबीसीज की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस चेक की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस चेक की, और वो क्या थी, 3.3 से लेकर 4 नैनोमीटर तक। इन्हें क्या देखा कि इनकी थिकनेस जो है किसकी, सेल मेम्ब्रेन किसकी, आरबीसी की,
रेड ब्लड सेल्स की और किसकी, यीस्ट की, यीस्ट की और रेड ब्लड सेल्स की जो थिकनेस है उसको चेक किया, तो वो कितने कितनी थी, वो 3.3 से लेकर 4 नैनोमीटर तक थी। तो मैंने पहले बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस चेक करने का मकसद क्या था, कि वो आया कि गॉटर ग्रेंडल का दिया हुआ जो पॉइंट था उसको एक्सेप्ट करना था या उसको रिजेक्ट करना था। तो ये सारे काम उस मकसद के उस तनाजुर में हो रहे थे, उसको चेक करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए। बहरहाल इसके बाद 1931 में जे क्यू प्लॉव ने क्या किया, इसने पहली दफा टर्म मुतारिफ कराई प्लाज्मा लीमा की, कि मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को जो प्रीवियसली एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे पुकारा जाता है, एक टर्म दी गई थी, इनके नाम की गई थी, वो क्या थी, प्लाज्मा लीमा जो है वो दी गई थी, और इसे जे क्यू प्लॉव ने 1931 में इस टर्म को जो है वो क्वाइन आउट किया था। तो इस तरह करके इस सेल मेम्ब्रेन को तीन नामों से पुकारा जाता है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इवन इसे चौथा नाम साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसे सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में तो सेकेंड नंबर पे है आफ्टर सेल वॉल, यीस्ट में भी आफ्टर सेल वॉल सेकेंड नंबर पे है ये। ठीक है, उसके बाद अगर बैक्टीरिया में देखें तब भी सेकंड नंबर पे है आफ्टर सेल वॉल, लेकिन एनिमल के सेल में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, और दूसरी जानब ये अपने इंटरनल साइड पे क्या करती है, इसने प्लाज्मा को इनक्लोज किया होता है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किया होता है, तो इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद 1931 के बाद 1935 का जमाना था, क्या जमाना था जी, 1935 का जमाना था, जिसमें डेनिल और डेवसन 2D दोनों ने, डेनिल और डेवसन ने क्या एक मॉडल पेश किया, सैंडविच मॉडल पेश किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या किया, सैंडविच मॉडल पेश किया। इन्होंने ये कहा कि ये जो पहले कहा गया है कि ये लिपिड मेम्ब्रेन सिर्फ मुश्तमिल है किस पे, बाइलियस पे मुश्तमिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलियस पर मुश्तमिल है, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये लिपिड बाइलियस मौजूद जरूर है मगर ये लिपिड बाइलियस जो है ये इनक्लोज्ड है दोनों, इसकी दोनों जानब, मतलब ये कि अगर बिलफर्ज मैं इस एक मार्कर को लिपिड की बाइलियर समझ लूं, लिपिड की लेयर समझ लूं, तो ये जो है वो इस तरह मेरे हाथ में मौजूद है, तो इसके दोनों साइडों पे मेरे हाथ मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों साइडों पे जो है वो प्रोटीन्स की लेयर समझे, जो है वो प्रोटीन की लेयर्स हैं और दरमियान में ये लिपिड है, तो इस तरह करके जिस तरह ये लिपिड जो है, जिस तरह मार्कर का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरे दोनों हाथों के दरमियान ये धंसा हुआ, बिल्कुल इस तरह ये डेवसन लोगों ने कहा कि ये लिपिड लेयर जो है वो प्रोटीन की लेयर्स में सैंडविच्ड है, उनके दरमियान ये पड़ी हुई है, कौन, लिपिड की लेयर्स, ये सैंडविच मॉडल था, और ये लगभग जो है वो 30 से 35 ईयर्स तक इसको माना जाने लगा और इसको एक्सेप्ट किया जाता रहा, और इसको बकायदा तौर पे जो है वो इस पे एक्सेप्ट किया गया और इसको लेके चला गया बायोलॉजी की बुक्स में। अब इसके बाद 1972 का जमाना था, जब तक कि 1972 में नया जो है वो मॉडल पेश नहीं किया गया तब तक सैंडविच मॉडल वाज एक्सेप्टेड देयर, और नया मॉडल क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कुछ रिजिडिटी है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोटली जो है वो हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर है, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, और ये फ्लूइडिटी पाई जाती है, और इसमें मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे कहा जाता है, कहते हैं जैसे कि सी में आइसबर्ग मौजूद हो, जैसे सी में आइसबर्ग मौजूद हो, तो वही स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे ऐसे ही यहां पे दिया जाता है कि इसमें क्या है कि कुछ जो है वो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, वो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स इसमें पड़ी हुई है। अब कैसे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था कि ये जो
सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दो लेयर पर मुश्तमिल है और वो दोनों लेयर लिपिड बायलेयर्स के नाम से जानी जाती हैं। और ये लिपिड जो हैं वो फास्फोलिपिड्स हैं। कौन सी हैं? फास्फोलिपिड्स हैं। और इन फास्फोलिपिड्स की दोनों लेयर्स में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं या तो कंप्लीटली एम्बेडेड हैं इसमें या इसमें पार्शियली एम्बेडेड हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें कंप्लीटली एम्बेडेड हैं या इसमें जो है वो पार्शियली एम्बेडेड हैं। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें पड़े हुए हैं या कंप्लीटली एम्बेडेड या पार्शियली एम्बेडेड हैं, ये एक्चुअली मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे थे। इनकी वजह से जो है वो लिपिड की बायलेयर में मोज़ेक्स लाइक स्ट्रक्चर अपेयर हो रहे थे, तो जिसकी वजह से इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो इसका नाम दिया गया था। अब मैंने कहा कि लिपिड बायलेयर्स हैं, लिपिड बायलेयर्स जो हैं अपने छोटे छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल हैं, फास्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल हैं। और ये फास्फोलिपिड्स के दो रीजन हैं, दो पोर्शन हैं, दो हिस्से हैं। कौन से? एक उनका हेड वाला हिस्सा, एक उनका टेल वाला हिस्सा। कौन से दो पोर्शन है? हेड वाला और टेल वाला। फास्फोलिपिड्स जो हैं ये यूनिट्स मिलके लेयर्स बना रहे हैं, एक ऊपर लेयर पड़ी है, एक नीचे लेयर पड़ी है, ये दोनों लेयर्स जो हैं मिलकर बनी होती हैं और दोनों लेयर जो हैं वो फास्फोलिपिड्स के दो पोर्शन पर मुश्तमिल हैं। एक उसका पोर्शन जो है वो हेड रीजन है, दूसरा उसका पोर्शन जो है वो टेल रीजन है। लेकिन इनके हेड और टेल रीजन में डिफरेंस है। वो क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इनकी अफिनिटी शो करता है टुवर्ड्स द वाटर। ये जो टेल रीजन है लिपिड बायलेयर्स का, ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक है, वाटर ड्रेडिंग है, वाटर से दूर भागने वाला हिस्सा है। और दूसरा जो इसका हेड रीजन है वो क्या है? वाटर लविंग है, वाटर की जानब अट्रैक्ट होने वाला जो है वो रीजन है। अब ये दोनों बुनियाद, टेल इसकी वाटर ड्रेडिंग है, हेड इसका वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। अब इसकी बुनियाद पे ये तो दोनों लिपिड्स की लेयर्स बनी थी, इनके यूनिट्स ने, इनके मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को इस तरह तरतीब दिया, दोनों लेयर्स को इस तरह तरतीब दिया। देखें कि दोनों लेयर्स में, दोनों लेयर्स की जो टेल वाला हिस्सा है वो दोनों का एक दूसरे की जानिब है और हेड उनका अपोजिट साइड पे। ये देखें, जैसे मैं दिखा रहा हूं कि इनकी टेल वाला हिस्सा एक दूसरे की जानिब है, हेड जो है वो इनका आउटर साइड पे है। अब ये जो हेड इस साइड वाला हिस्सा है, जो एक साइड इसकी लिपिड की लेयर की जो है वो एक साइड जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ हेड आता है, दूसरा हिस्सा उसका जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आउटसाइड जो सेल एनवायरनमेंट है उसकी तरफ जाता है। तो ये दोनों जो लिपिड मैंने कहा है वाटर ड्रेडिंग है, तो ये उसके बाद जो है वो हेड जो है वो वाटर लविंग रीजन है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरह इस अंदाज में दो लिपिड लेयर पर बनती है, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट जो सेल का था साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट जो है उसको ये होमियोस्टाइज करती है, उसको ये उसकी केयर करती है सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है उससे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को केयर करती है, उसकी केयर करती है, उसको होमियोस्टाइज करती है, उसके अंदर होने वाली तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को बचाती है एक्सटर्नल होने वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे, कि एक्सटर्नली टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कोई पीएच चेंज है या कोई भी फैक्टर है, तो उसको वो इंटरनल फैक्टर से बचाती है कि इंटरनल फैक्टर्स में वो एक्सटर्नली फैक्टर, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो असरअंदाज ना हो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें दो तरह के प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। कितने तरह के प्रोटीन्स पड़े हुए हैं? दो तरह के प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। एक प्रोटीन वो जो कंप्लीटली एम्बेडेड है, दूसरा प्रोटीन वो जो पार्शली एम्बेडेड है। अब जो कंप्लीटली एम्बेडेड है वो लिपिड बायलेयर्स की अक्रॉस जो है वो पड़े हुए हैं, जो है वो एक तो जो प्रोटीन यहाँ पे पड़े हुए हैं अक्रॉस पड़े हुए हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड है। ये क्या करते हैं आने वाले वक्तों में, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, कि कुछ मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। तो जिन मॉलिक्यूल्स को ये नहीं गुजरने देती, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन कंप्लीटली एम्बेडेड जो हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, उनके थ्रू चैनल्स के जरिए आते हैं, उनके थ्रू ये मतलब ये उनके लिए चैनल के तौर पर वर्क करते हैं और वो मॉलिक्यूल इनमें से गुजर के अंदर की जानिब आते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीटली प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं
एम्बेडेड मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या है कि प्रोटीन जो हैं ये चैनल्स बन गए उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनको सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं गुजरने देती, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ये चैनल फॉर्म करते हैं और उनको गुजरने देते हैं। जो दूसरे पड़े हुए जो पार्शली एम्बेडेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये पार्शली एम्बेडेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये अपने साथ एक जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को अटैच करवाते हैं। और वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है, जो इनके दोनों के मिलने से, प्रोटीन्स के मिलने से और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से जो है वो एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है। और उस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइको स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि ये जो प्रोटीन इसमें पड़े हुए हैं, इसमें जो पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं उन पे। अब ये पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये कहा जाता है, जो कि ग्लाइको प्रोटीन जो है वो अटैचमेंट इनकी हो रही है, तो ये इनके मतलब ये कहा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की के सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट होते हैं। तो ये मतलब ये भी कहा जाता है कि स्पेशल जो हर सेल की एक स्पेशल सेल मेम्ब्रेन है, तो ये उस सेल की शनाख्त के लिए सरफेस मार्कर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो फिर ये भी कहा जाता है कि भाई ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये स्पेसिफिक हैं फॉर स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन किसी एक सेल की है उसके लिए स्पेसिफाई करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो सेल मेम्ब्रेन सरफेस मार्कर्स के तौर पे भी जो है वो काउंट किया जाता है कि इनको ये प्रोटीन के साथ जो मौजूद है ग्लाइको प्रोटीन इनको। अब इसके अलावा लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मिल के कॉम्बिनेशन बना के एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। लिपिड्स के साथ जब ये मिलते हैं तो ये लिपिड्स के साथ जो मैंने ये इस तरह जो है वो स्प्रिंग मास स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने शो किया है कि ये लिपिड्स के साथ मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। कौन, ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलकर। अब यहाँ पे दो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी, ग्लाइकोप्रोटीन भी, जिन्हें कलेक्टिवली ग्लाइकोकैलेक्स के नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ये कहा जाता है कि ये दोनों, पहले मैंने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन, फिर ये भी कहा जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों जो है वो सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट करते हैं, सेल को स्पेसिफाई करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये दोनों कौन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। इनके अलावा एक और स्ट्रक्चर यहां पे मौजूद है, वो कौन है, कोलेस्ट्रॉल, जो कि लिपिड्स की मेम्ब्रेन के दरमियान पड़ा हुआ है, जो कि लिपिड्स की मेम्ब्रेन के दरमियान पड़ा हुआ है। कौन, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का यहां पे मौजूद होना क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पे लिपिड्स की मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है, ये बायलेयर्स में पड़ा हुआ है, इसका काम ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर, जो सेल मुख्तलिफ टेम्परेचर को फेस करता है, तो उसमें ये इसका जो ए नंबर एक, तो उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रखता है सेल मेम्ब्रेन की, उसमें हेल्प आउट करता है। दूसरी चीज ये है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, एक उसकी फ्लूइडिटी जो है वो खासियत जो है उसको मेंटेन रखता है, उसको फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कौन, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मैंने बात की है। अब यहां पे मैंने बात की कोलेस्ट्रॉल की, ग्लाइकोलिपिड्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की, कंप्लीटली एम्बेडेड की, पार्शियली एम्बेडेड की। ये जो मेम्ब्रेन है, ये टोटल मेम्ब्रेन जो डेवलप होती है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि ये टोटली राउंड अबाउट, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 7 जो है वो नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है, कुछ ये कहते हैं कि 8 to 10 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। बहरहाल ये है कि 7 to 10 आप ये कर लें, काउंट कर लें कि 7 to 10 या 7 to 11 तक इसकी थिकनेस सेल मेम्ब्रेन की होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है
मैंने जैसे बोला है कि ये फ्लूइड लाइक फ्लूइडिटी इसमें अपने स्ट्रक्चर में रखती है, ये रिजिड नहीं है जस्ट लाइक अ सेल वॉल। तो ये एक सेल को शेप तो फ्राहम करती है, जैसे कि एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में सबसे जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल मौजूद है, जबकि उसमें बैक्टीरिया में भी सेल वॉल मौजूद है, जबकि फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद है। लेकिन इसमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग मौजूद है, ये उसको शेप भी फ्राहम करती है, उसको होमोस्टाइज भी करती है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रखती है, इंटरनल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी मेंटेन रखती है। ठीक है, तो ये क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिटी लाइक स्ट्रक्चर रखती है, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, रिजिडनेस नहीं है। बाकी इसमें मतलब मैंने बोला कि इसमें कंप्लीटली एम्बेडेड मॉलिक्यूल हैं, पार्शली एम्बेडेड मॉलिक्यूल हैं। इसके फास्फोलिपिड्स का जो हेड एंड टेल रीजन उनके दोनों के कैरेक्टर्स के मतलब बोला। तो ये जनाब था इसके मतलब मैंने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मतलब। अगर आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पसंद आया हो तो इस पे फीडबैक दीजिएगा, इस पे लाइक को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके फंक्शन के मतलब बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।